सो हेलो एवरीवन, आई एम नसरीन एंड वेलकम टू माय चैनल नसरीन ब्लॉग। उम्मीद करती हूं आप सब ठीक हो। आप सबकी दुआ से अल्हम्दुलिल्लाह हम सब एकदम ठीक हैं। तो देखते ही देखते आज माशाल्लाह आठवां रोज़ा हो चुका है और आज जुम्मे मुबारक भी है माशाल्लाह। पहले जुम्मे से लेकर आज के दूसरे जुम्मे से मैं आज वीडियो शूट कर रही हूँ। देख पहला रोज़ा मैंने कैप्चर किया था, आपके साथ लोग शेयर किया था और आज ये दूसरा मतलब जुम्मा है और आठवां रोज़ा है। तो क्योंकि इससे पहले मतलब मैं बनाई नहीं हूँ वीडियो और नहीं होल वीडियो बनाई हूँ तो वो शेयर की हूँ आपके साथ में और आज का दिन मैं पूरा आपके साथ शेयर करूँगी। तो बस वीडियो पे लास्ट तक बनी रहिएगा और आप अगर मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लेना, नोटिफिकेशन ऑन करना बिल्कुल मत भूलना। और फिर मैं नीचे ही आ गई क्लिनिक पर, क्यों क्योंकि वक्त कट जाएगा, सोना सोने से भी रोज़ा नहीं होता कि पूरा दिन सोते ही रहो तो वो भी सही नहीं है। यहाँ पर आके माशाल्लाह अपना कुरान पढ़ूंगी भी थोड़ी देर बाद, जो मैं हमेशा पढ़ती हूँ। अभी जोहर की नमाज़ पढ़ ली है मैंने और मैं भी जा रही हूँ मार्केट क्योंकि कुछ सामान लेकर आना है। कचरी जो है ना, कचरी ख़त्म हो गई थी वो लेकर आनी है, कुछ सब्जियाँ भी लेकर आनी है शाम के लिए, सब्जियाँ भी नहीं है। और दस्तरखान भी, दस्तरखान जो लास्ट टाइम हमने मार्केट से लिया था वो खाला के घर पर ही रह गया था और फिर लाने ही भूल गए थे हम, तो मैं अभी लेकर आऊँगी क्योंकि वो बहुत ज़्यादा ख़राब सा मतलब ख़राब सा ही हो रहा है, ठीक है। और वो लेकर आना है, सेकंड मिल जाए तो शायद वहाँ पे ना मिले, मिल गया तो अच्छी बात है। तो मैं आंटी को लेकर जाऊँगी, अभी आ रही हैं वो, क्योंकि इतना सारा सामान होगा कि तो रोज़ा है और ऊपर से धूप भी हो रही है और मुझे वीडियो भी शूट करनी होती है तो एक हाथ से तो मैं सारा काम नहीं कर सकती हूँ। तो आंटी को भी ले जाऊँगी, एक से भले दो ठीक रहते हैं, कुछ सामान होगा तो वो लेकर आ जाएंगे, उठा तो लेंगी वो, फिर सामान हो जाता है। और इसे ये वाली मिक्स कर देना, पहले लास्ट टाइम आपने कम करी थी ये वाली में से एक तो, और वो जो मोटी वाली आती है ना वो वाली करनी है। आंटी कौन सी कह रही थी, मुर्गे के टांग यहाँ पर कहीं से मिलती है? मुर्गे की टांग होती है, एक किलो कर देना। सारी ली है ना, नीचे रखी हुई है वो बेडरूम तक, आंटी बोल रही है। ये जल्दी खुल जाती वो रही लास्ट वन मूँगफली के नीचे। हाँ और ये वाली कचरी भी कर दो ना, ये वाली मतलब तुम सारी ये मिक्स डाल दो ना, ये वाली भी थोड़ी थोड़ी। अब तो मिला दी मैंने, तो भैया मिला दी तो आप मिलावा भी तो कहीं और ज्यादा कर दें, एक हैं एक बार मिला दें और ज्यादा। हाँ कोई बात ना, कर दो, कचरी है तो बनेंगी। अब वाली भी डाल देना, दूसरी वाली थोड़ी थोड़ी पापड़ी अलग अलग है, नहीं ये तो हो जाती है, इतनी इतनी नहीं है ना, बस इतनी बड़ी बड़ी है। एक किलो कर रही हो, और हरा धनिया दिखा देना। हाँ मत दिया भाई, बस खीरा कैसा दिया है? 30 रुपए किलो है खीरा। लौकी? लौकी नहीं लेके। बैगन? बैगन भी है? नहीं नहीं खराब हो रही है लौकी तो। मौसम ठीक था, अभी देखो किस कदर की धूप निकली है तेज वाली। आधा किलो का दही का पैकेट कर देना। और कुछ तो नहीं देना है आंटी, दही और दही का पैकेट कर दो भैया आधा किलो का। पप्पी के दुकान पे रखा हुआ है। ये मटर के पैकेट कर देना भैया, एक ब्रेड कर देना भैया, ताजी देना भैया ब्रेड। भैया ताजी कौन सी वाली है? तो जो सारा सामान था ना वो तो मैं लेकर आ गई बाहर से, कचरी वचरी जो लानी थी वेजिटेबल, तो आप ही अभी प्रिपरेशन कर रहे हैं ब्रेड पकोड़े की। और इन्होंने पता नहीं कैसे अलग रेसिपी के साथ बनाए, आपको बताना आप ही कैसे कैसे बनाए। आज हम एक अलग तरीके से ब्रेड पकोड़े बना रहे हैं। पहली बात तो हर कोई कोने वाले ब्रेड पकौड़े बनाते हैं, आज हम फुल ब्रेड का ब्रेड पकौड़ा बनाएंगे जिसमें एक ब्रेड की साइड पे ग्रीन चिली सॉस लगाई है जो कि होममेड है, घर पे बनी हुई है, और दूसरे ब्रेड की साइड पे हमने रेड चिली सॉस लगाई हुई है जो कि ये भी होममेड है, मतलब मार्केट की नहीं है वो, क्योंकि वो केमिकल से बनी होती है। और इसकी स्टफिंग तैयार की है जिसमें भुना जीरा डाला है, मेयोनीज डाली है, लेमन डाला हुआ है, बाकी जो स्टफिंग में होता ही है ब्रेड पकौड़े की वही है, जिंजर मेयोनीज का भी इस्तेमाल किया है ऊपर से। ये मैं ब्राउन ब्रेड ही लाई थी आप ही वैसे, तो ब्राउन ब्रेड ठीक है, ब्राउन ब्रेड व्हाइट वाली भी आती है लेकिन आप यूज कर सकते हो जो आप खाते हो, हम ब्राउन ब्रेड ही खाते हैं तो हम वो यूज करते हैं। तो ये हमारा एक तैयार हो चुका है, बस इसको जब फ्राई करेंगे तो इस पे ये बेसन में डिप होगा, उसके बाद इसको फ्राई किया जाएगा। माऊ खा रही है खाना आके, लास्ट व्लॉग की तरह इसे बस खाना ही होता है हर टाइम पे, हर दो मिनट बाद। वहाँ पे ये अलग पकौड़े, इसकी अलग बनेगी क्या? ये खाली ये पकौड़े, आलू के पकौड़े बनेंगे वो पकौड़ियाँ, प्याज मिक्स करके ये पकौड़ियाँ बनेंगी, वो पकौड़े पकौड़ी पकौड़ियाँ।
अगर ज्यादा आपका एक्स्ट्रा बन जाता है भरता तो ये नॉर्मली भरता होता है, तो आप इसको आलू का पराठा भी बना सकते हो, बाद में यूज कर सकते हैं ना आप इसको। हाँ मैं तो इसकी एक चीज और बनाने की सोच रही थी, बट अभी इतना टाइम नहीं है क्योंकि अभी एक ब्रेड को देखो अभी बनेगा, उसके लिए ना ब्रेड का पिसा हुआ होना बहुत जरूरी मिक्सी में। हाँ वो मैं यही सोच रही थी, पता नहीं कोई तो एक रेसिपी है जैसे मतलब उसको बारूदा उसका मिक्स कर, पहले उसे मिक्स करते फिर डिप करके जब डालते है ना। चलो बनाओ, मैं भी पहले नमाज का टाइम है, अभी नमाज नहीं, असर की अजान हो गई नहीं हुई अभी, पहले अभी असर की नमाज पढ़ लेती हूँ पहले, उसके बाद आपसे मिलती। तो फरीन बना रही है अभी चिकन बिरयानी, तो इसमें फरीन क्या क्या मिक्स किया है? इसमें दही भी किए है और लहसुन अदरक का पेस्ट किया है, रेड चिली पाउडर, कोरिएंडर पाउडर, टर्मरिक पाउडर, सब है इसमें। और चिकन भी एकदम फ्रेश है, ऐसा नहीं लग रहा कि जैसे थोड़ा सा वो होता है ना, एकदम फ्रेश है। ये तो आलू के, आलू में और उसमें बेसन में डिप करके पकौड़े, ये तो सिंपल वाले हैं। और पकौड़िया कहाँ गई, बना ली क्या वो भी? अभी बनाओगी? आप तो बारूदे में बोल रही थी करने के लिए, ये ना पिसावा नहीं है ना, उसमें पिसना था मिक्सी में। तो फिर कैसे करोगी? अब ऐसे बेसन में डिप, बेसन में ऐसे कर देना। इसमें कुछ और भी ऐड किया है? हाँ ऊपर से काला जीरा, भुना हुआ जीरा। अच्छा, और अंदर स्टफिंग जो है उसकी, वो उसकी है जो ब्रेड पकौड़ों के अंदर रखी। पपीता बस थोड़ा सा रहने दो, क्योंकि लास्ट टाइम भी बहुत ज्यादा फ्रूट चाट हो गई थी ना। ये गंदा है वैसे, उसमें हरी मिर्च का है, ये इसमें कटेंगे ना, कटेंगे ये तो ऐसे ही कटने के, क्या है उनको भी कट करेंगे। माओ नीचे जाने को नहीं मिल रहा, माओ परेशान हो रही है। अरे तुम बोलो वीडियो में, थोड़ा सा बोलना, मम्मी मेरी आवाज भारी है। बस ये बोलना था। मतलब लास्ट टाइम भी जैसे हमने दिया था जुम्मे के दिन, मैंने आपको बताया था लास्ट की वीडियो में कि जुम्मे के दिन हमारे देखो आस पास में जो हमारे पहले फैमिली वाले, तो ये लोग ही है फैमिली वाले, तो उनको भी देने से, मस्जिद में भी सब लोग ही देते हैं, तो हम जिस स्टाफ को जुम्मे के दिन अक्सर मतलब इफ्तारी करा देते हैं जुम्मे वाले दिन। आप ही बन गए पकौड़े? हाँ अभी शरबत बनाऊंगी, अभी टाइम है ना, शरबत में वो रख देता बर्फ मेरे कचरी वाली, मैंने सारी मिक्स वाली ले आई थी 1.25 किलो, पूरा टाइम चल जाएगी। पकौड़े अभी बनाओगी ना, पकौड़ियाँ भाई आलू के अलग से नहीं करोगे? अच्छे वो वाली बोलो, वो दिखा था ना लास्ट टाइम, लास्ट वाले रोजे में आठवा, मतलब आज तो माशाल्लाह 8 दिन हो गए, तो तब इतना छोटा सा था, मैंने इतने छोटा दिखाया था ना, अभी देखो माशाल्लाह, देखो ये टमाटर भी, इस पर टमाटर भी आने लगे हैं और गुच्छा गुच्छा बन खा रहा है इस पर, और एक ये देखो यहाँ पर भी टमाटर आ रहे हैं, इन पर भी ये टमाटर हैं। हाँ जिस टहनी पर देखोगे आपको टमाटर मिलेंगे, इस टहनी पर भी टमाटर ही टमाटर है। गली आया फल भी निकल गया, मैं हर वीडियो में इसलिए बार बार कहती हूँ क्योंकि मुझे पता है मुझे कितनी ज़्यादा खुशी है, तो मैं अपनी खुशी आपके साथ शेयर करती हूँ इसलिए। अभी तो टाइम है एक पूरा 1 घंटा है अभी, और हमारा सारा सब कुछ बन के रेडी है, ये सब अभी मतलब आ जाएंगे तो स्टाफ में जाएगा थोड़ा थोड़ा करके जो भी है। अभी शरबत वो वाला रखा है ना रोबजा का, उसमें रखा हुआ है फ्रिज में, वो तो जब निकालूंगी मैं, लग रही है इसे रख दो फ्रिज में, रख देती हूँ शरबत को। फरीन ने बनाई है बिरयानी, आलू भी डाल लिया था, वो मेरे पूरे के आलू डलवा रही इसके अंदर। हां मैं तो खाती हूं ना, यहां रख दो, वो डाल था जो रेसिपी बता रहे थे ना, तो आलू तो होती है आलू। पूरा दस्तरखान सज गया माशाल्लाह। अम्मी तुम रूअफजे का शरबत पियोगी, उसका रूअफजे का शरबत पियोगी या फिर उसका नींबू का? दोनों का पी लूंगी। बड़ी सोच के जवाब दिया अम्मी ने। अभी अम्मी देखो माशाल्लाह कितनी अच्छी लग रही है, और आप सब लोगों ने बहुत दुआएं करी थी अम्मी के लिए,
तो उसके लिए थैंक यू। अम्मी अभी अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ठीक हैं पहले से। अम्मी ठीक बोला क्या? सभी ने आपके लिए दुआ करी थी, सबको थैंक यू बोला। शुक्रिया। फ्रिज में रख दूँ ना इसको? ये नीचे वाले में, इसमें इसमें छोटे वाले फ्रिज में रख देती हूँ। माऊ ये अम्मी के पास ही बैठी रहती है यहाँ पे हमेशा, ठीक है, रात को भी, क्योंकि यहाँ से उतर के पानी पीना होता है इसे। माऊ चलो मैं थोड़ा सा अपना व्लॉग एडिट कर लेती हूँ, लेट के बनाने आधा घंटा भी पूरा 40 पे होगा, 6 बज रहे अभी तो पूरा 40 मिनट है ना अभी। अब पहले काम हो गया, कोई बात नहीं, पहले करके बैठ जाना अच्छी बात होती है। एंड टाइम पे ये नहीं होता कि एंड टाइम पे, मैंने बहुत से लोगों को ऐसे भी देखा गोले फूट गए और उनकी पकौड़ी नहीं तली जाती। ये वाली प्लेटें सही रहती हैं, इसमें भी स्टाफ के लिए जाएगा नीचे। इसमें ऐड कर दिया अभी कि नहीं? अभी वो मैं ऐड करा आपने चीनी और मसाला, फरीन चीनी और मसाला ये ऐड होगा इसमें।